तो मधु और कैतब माँ ने कहा कि विष्णु तुम्हारे ही कान के मैल से बने हुए हैं, तो तुम हमारी इच्छा होगी तो तुम उसको मार सकते हो। तो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की और भगवान विष्णु ने देख लिया कि ये लोग के पास वरदान है माँ का। तो भगवान ने उसको कहा कि भाई आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत ताकतवर हो, आपको मेरे कोटि कोटि नमन। तो मधु और कैतब ने कहा हम आपसे प्रसन्न हुए, आपकी प्रशंसा से प्रसन्न हुए, तो आप हमारे पास एक वरदान मांगो। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो आप पक्का बताओ कि आप वरदान दोगे। कहा हम जो वरदान मांगोगे हम दोनों जन मिल के आपको देंगे, आपको हम वचन देते हैं। तो बोला सचमुच वचन? बोला हाँ। कहा विष्णु ने कि मुझे ऐसा वचन दो कि आप दोनों मेरे हाथ से मरोगे और अभी मरोगे। कहा ठीक है। तो फिर उनका नाश किया भगवान विष्णु ने, उनको मार डाला। जब उनको मार डाला तब ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर माँ की स्तुति की। जब माँ की स्तुति की तब माँ प्रकट हुई और अपने तीन स्वरूप उसने बनाए। एक बनाया सरस्वती और उसकी शादी कर दी ब्रह्मा से, एक बनाया लक्ष्मी और उसकी शादी कर दी विष्णु से, और एक उसने स्वयं का खुद का स्वरूप बनाया सती के रूप, पार्वती, और उसको अपने सबसे प्रिय बेटे शिव को दिया। और उन तीनों को वार्निंग दी कि देखो ये तुम्हारी पत्नियां हैं लेकिन याद रखना ये मेरा अंश है, जब भी तुम इनका अपमान करोगे तब भी तुम याद रखना कि मैं तुम्हारा सामना करूंगा, ये नहीं। कहा ठीक है। और उन तीन बेटियों को बोला कि आप तीन मेरी खास पुत्री है, तो आप एक बात याद रखें कि ये आपके पति हैं और आप इनकी इज्जत करोगे और आप इनकी सेवा करोगे। तो शिव ने और विष्णु ने और ब्रह्मा ने अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने यहाँ वास किया। फिर माँ आदिशक्ति ने दक्ष प्रजापति नाम के एक राजा, उस वक्त पहले ट्रिनिटी कैसे थी, ब्रह्मा इंद्र और प्रजापति, और कितने प्रजापति थे, पांच, पांच ब्रह्मा थे और पांच प्रजापति थे। तो फिर उसके बाद 11 प्रजापति भी हुए थे। तो ये पांच प्रजापति में जो सबसे बड़े प्रजापति माने जाते थे वो थे दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति के यहाँ बेटी के स्वरूप में माँ आदिशक्ति ने जन्म लिया और उसका नाम रखा सती, मतलब जो सत्य का स्वरूप है वो सती, जो सत्य है वो सती। और फिर सती तो बनी थी भगवान शिव के लिए, तो वो जैसे जैसे बड़ी हुई उसने आराधना की भगवान शिव की और अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर उसने भगवान शिव से शादी की। और भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का बिल्कुल जमता नहीं था, क्योंकि जो पांच ब्रह्मा थे, अभी हम ऐसा मानते कि ब्रह्मा जी के पांच सर थे, पर पांच सर नहीं, फाइव हेड्स मतलब पांच हेड ब्रह्मा थे, उसमें से एक ब्रह्मा को मार दिया था शिव ने। तो एक ब्रह्मा को जिसको भगवान शिव ने मारा था वो दक्ष प्रजापति के पिता थे, मतलब सती के दादा थे, तो उनको मारा था। तो इसके लिए प्रजापति को बिल्कुल भी शिव पसंद नहीं थे, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगते थे शिव। तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत मनाया कि मत शादी कर। और फिर बहुत सारे ऐसे प्रसंग आए कि जहाँ पे वेद की, हवन की, यज्ञ की बहुत ज़्यादा निंदा की भगवान शिव ने, तो इस वजह से वो बिल्कुल भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। लेकिन सती ने शादी कर ली। शादी के बाद वो लोग हिमालय गए रहने को, कैलाश में, और उसके पिता ने बहुत कहा कि हम महल बना देते हैं, हमारे महल में रहो, कैलाश में तुमको महल बनाते हैं, ये सब सामग्री दे रहे। कोई चीज़ सती ने उनके पास से ली नहीं। जब वो लोग वहाँ पे गए कैलाश पे रहने, तो एक दिन कैलाश पे से सबके विमान जा रहे थे, तो विमान को देख के सती परेशान कह रही कि ये सब इस तरफ कहाँ जा रही, यहाँ पे तो मेरे पिता का राज्य है। तो नारद मुनि आए और उन्होंने कहा सती आप नहीं चल रहे हो क्या, आप तो अभी तक तैयार भी नहीं हुए। तो कहा कहाँ जा रहे हो सब, तो कहा हम आपके पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं।
तो कहा अरे हमको तो इनविटेशन ही नहीं आया। तो कहा हमको फिर पता नहीं, नारद मुनि का काम था कांडी लगाना, वो कांडी लगा के चले गए। तो फिर सती गए भगवान के पास, महादेव के पास, और उनको कहा कि चलो हमारे पिताजी ने यज्ञ रखा है, देखो सब देवी देवता इंद्र विष्णु सब ब्रह्मा जी सब जा रहे हैं, आप भी चलो हम भी चलते हैं। कहा नहीं अब हम जा नहीं सकते, हमको बुलाया नहीं है। तो कहा दूत से गलती हो गई होगी, और उस जमाने में तो दूत आमंत्रण देते थे और सब विकल्प थे। कहा ठीक है। भगवान शिव ने कहा कि तुम पंचाग्नि ध्यान करो। पंचाग्नि ध्यान क्या है? पंचाग्नि ध्यान क्या है? पांच अग्नि का ध्यान। पांच अग्नि कौन कौन सी है? भूताग्नि, जठराग्नि, ज्ञानाग्नि, फिर मुवाड अग्नि और मुवाड अग्नि और काम अग्नि। देखो कौन सी पांच अग्नि है? एक तो भूताग्नि। भूताग्नि मतलब शरीर का तापमान जो रेगुलेट करती है उसको क्या कहते हैं? भूताग्नि। खाना हजम जो करती है उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि। भूताग्नि पूरे शरीर में विद्यमान है अपान वायु के साथ। समान वायु के साथ आपकी नाभि से 2 इंच ऊपर एक ग्लैंड है जिसको संस्कृत में कहते हैं जठर। वो जठर में होती है जठराग्नि। तो जठराग्नि वो आपके पेट में होती है। कौन से वायु के साथ होती है? समान वायु के साथ। फिर बवाड अग्नि। बवाड अग्नि कहाँ होती है? प्राण वायु के साथ तीसरे नेत्र पर। कोई अपमान कर दे, नहीं, बवाड अग्नि होती है अपान वायु के साथ मूलाधार चक्र पर। कोई अपमान कर दे तो गुस्सा आ जाए, बुरा लग जाए, सेंटिमेंटल हो जाए, उसको क्या कहते हैं? बवाड अग्नि। और ज्ञान अग्नि ये प्राण वायु के साथ आज्ञा चक्र में रहती है। प्रेम अग्नि या ज्ञान अग्नि, ये प्रेम अग्नि या ज्ञान अग्नि प्रेम और ज्ञान उत्पन्न करते हैं। बवाड अग्नि क्रोध या घृणा या शर्म पैदा करती है। जठर अग्नि खाना हजम करती है। भूत अग्नि आपके शरीर के तापमान को ठीक रखती है। और कौन सी बताई थी पांचवी? भूत अग्नि, जठर अग्नि, प्रेम अग्नि, ज्ञान अग्नि एक ही है। बुवाड अग्नि, बुवाड अग्नि जो है ना वो गले में रहती है उदान वायु के साथ। और अपान वायु के साथ मूलाधार चक्र में रहती है कामाग्नि। यह आपके परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करती है, वासना को उठाने में मदद करती है। ये पांच प्रकार की अग्नि है। बुवाड अग्नि गले में है, उदान वायु के साथ रहती है। भूताग्नि व्यान वायु के साथ पूरे शरीर में विद्यमान है। जठराग्नि जठर में रहती है समान वायु के साथ। प्रेम या ज्ञान अग्नि आज्ञा चक्र में रहती है प्राण वायु के साथ। कामाग्नि अपान वायु में रहती है मूलाधार चक्र में अपान वायु के साथ। अब ये पांचों अग्नि की ध्यान कभी किया है किसी ने? मेरे साथ कोई नहीं आया है ना भार्गव करने के लिए। तो इसका ज्ञान मैंने देखा है बहुत सारे साधु लोग और हमारे ये सीरियल में भी क्या बताया, पांच अग्नि जला दी और उसके बीच में पार्वती को बिठा दिया। मैंने देखा है, मैंने साधु के साथ बैठ के वैसा ध्यान भी किया है करनाली नाम के गांव में। पांच पहले गोबर लिप देते हैं पूरा, उसके ऊपर आसन बिछाते हैं और फिर पांच तरफ गोबर रख, चार तरफ गोबर और खुद के सामने गोबर रखते हैं, गोबर की पिंडी, और उसको आग लगाते हैं, उस पर ध्यान करते हैं। नहीं उसको नहीं कहते हैं, क्या होता है कि गुरु आपको कहते हैं कि ठंडे पानी में जाओ, और ठंडे पानी में नाभि तक पानी आए वहाँ तक, ठंडी ठंडी का मौसम नवरात्रि का ऐसा ही चिलिंग और कामाख्या की ठंडी, और पानी में यहाँ तक जाओ और सवाल आग जप करो। और तुम्हारा मज़े की बात क्या है, पूरा शरीर अगर पानी में हो ना तो ठंडी नहीं लगती है, आधा शरीर बाहर और आधा शरीर अंदर हो तो शरीर कांपता है, और डुबकी मार दो तो फिर ठंडी निकल जाती है, और जो शरीर बाहर है ना उसको ज़्यादा ठंडी लगती है। तो उसमें तुम सवाल आग जप करो।
तो ये तुम्हारी भूताग्नि की परीक्षा है। अच्छा, तुरंत फिर तुम बाहर आए, तुमको बुखार चढ़ गया है, गुरु बोलेंगे रुकना नहीं है, अभी ये करो। फिर पूजा बैठी होगी, उसमें तुम्हारा बहुत अपमान करेंगे और तुम्हारी बहुत मजाक होगी, या तुमको बिठाया जाएगा और तुम्हारा एक के पीछे एक सबको बोलेंगे कि चलो इसको, इसकी एक एक बुराई निकाल के इसको बताओ। तो ऐसे गुरु के बाजू में कुर्सी लगाई जाती है या आसन लगाया जाता है, उस पर तुमको बिठाया जाता है और तुम्हारी सब निंदा करते हैं, सही गलत सब, और तुमको बस सुनना है, गुस्सा नहीं करना है, शर्म नहीं आनी चाहिए, रोना नहीं चाहिए। तो तुम पास गुवाड़ अग्नि, फिर गुवाड़ अग्नि के बाद काम अग्नि। गुरु कहते हैं चलो लड़का लड़की बैठो साथ में और देखो तुम कंट्रोल करो अपने आप, कहाँ तक कंट्रोल कर सकते हो। तो काम अग्नि को कंट्रोल, फिर उसके बाद आती है जठर अग्नि, भूखे कब तक रह सकते हो। गुरु बोलेंगे 9 दिन उपवास, पानी भी मत पीना, या बोल देंगे सिर्फ पानी पीना। तो सिर्फ पानी पी पी के तुम 9 दिन निकालो, ये किसकी परीक्षा हुई, जठर अग्नि की। हाँ, और फिर ज्ञान अग्नि और प्रेम अग्नि की, तो विमुक्ष रहते हैं ना, तो ऐसे कोई लिख रहा है तो बोल देंगे गुरु स्वीट स्टॉप राइटिंग। तो वो ज्ञान अग्नि, अरे लिखना है, तुम कितना भी प्रेम करो गुरु को, गुरु तुमको धुतकार देंगे, चलो तुमको ध्यान ही नहीं देंगे। और ऐसे अवॉइड करने को भी ऐसा ही है, हमारे सदगुरु श्री श्री रविशंकर बहुत करते हैं, कभी बहुत इतना प्रेम करेंगे कभी, और ऐसे ये आप इधर बैठ, सिर्फ आपको नहीं देखा बाकी सबको देख लिया, और वो हमारे सब गुरु ऐसे, सब गुरु का एकदम मैं लाडला रहा हूँ। वो एक दिन ऐसा आता है ना कि जब आपकी ज्ञान अग्नि या प्रेम अग्नि को गुरु को, तो कुछ सवाल करो तो जवाब ही तुम्हारे, तुम सबके सवाल का जवाब देंगे, तुम्हारा सवाल वहाँ का वहाँ, रिस्पेक्ट द सीक्रेट। तो वो ज्ञान अग्नि या प्रेम अग्नि की परीक्षा है, तो उसको बोलते हैं ये 5 अग्नि। कभी करेंगे हम लोग, बाहर गाँव जाएंगे ना, तो मुझे याद करना, पंच अग्नि ध्यान कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पंच अग्नि ध्यान। ये विज्ञान भैरव तंत्र में बहुत अच्छे से भगवान शिव ने एक लाइन में ही समझा दिया है ना। तो उनको कहा ये ध्यान करो, फिर हम आपको आपके पिता के घर जाने देंगे। तो माँ पार्वती ने कहा नहीं, हमारे पास अभी टाइम नहीं है ये सब करने का, कोई किसी को, कोई बेटी को अपने पिता के घर जाना है और उसमें बीच में तुम ये भाषण दो। तो उन्होंने बोला पहले तुम एनलाइटेंड हो जाओ, फिर बोला फिर तुम पंच अग्नि ध्यान करो, फिर तो बोला तो फिर मैं नहीं जाने दूंगा। और शिवजी मुड़ के ऐसे गए, जैसे ही शिवजी गए तो सामने उनको काली दिखी, जवान निकाल कर। तो काली को देखते ही, अगर तुमको काली से प्रेम नहीं है तो उसको देखते ही डर लगेगा कि नहीं लगेगा, और प्रेम हो जाएगा उसके बाद। तो शिवजी थोड़ा पीछे हट गए, डर गए, पीछे मुड़े, पीछे दूसरा महाविद्या स्वरूप। कितनी डायरेक्शन है, 10 डायरेक्शन, 8, 9 और 10। तो 10 डायरेक्शन में भगवान शिव ने भागने की कोशिश की, तो 10 डायरेक्शन से माँ आदिशक्ति ने उनको घेर लिया, और ये 10 डायरेक्शन की 10 देवियाँ क्या बनी, 10 महाविद्या। कहीं काली, कहीं तारा, कहीं चिन्मस्ता, कहीं धूमा, कहीं भुवनेश्वरी, कहीं त्रिपुर भैरवी, कहीं सोरसी, तो कहीं मातंगी, कहीं बगलामुखी। परेशान हो गए भगवान शिव, कहा जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो ये 10 दिशाएं जो है ना, वो सब 10 दिशाएं क्या है, प्रकृति, नेचर, और ये नेचर क्या है, माँ है, और इसके कितने स्वरूप है, 10 दिशाएं हैं। तो 10 महाविद्या क्या है, ये माँ प्रकृति, और बीच में कौन है डरे हुए, शिव। तो शिव तुम्हारी आत्मा, और तुम्हारे आसपास जो तुम्हारा शरीर है या पूरा ये नेचर है, ये नेचर क्या है, 10 महाविद्या। हिंदू कहते हैं कि वो आई है पुरुष के वाम भाग से,
क्रिश्चियन मुस्लिम जूस वो कहते हैं कि वो आई है तुम्हारे फेफड़ों से। मैं स्त्री की बात कर रहा हूं। क्या कहते हैं क्रिश्चियंस? वो आई है, ईव हैज कम फ्रॉम द रिब्स ऑफ एडम। व्हेन एडम वाज स्लीपिंग गॉड क्रिएटेड ईव फ्रॉम द रिब्स ऑफ एडम। और हिंदू क्या कहते हैं? शक्ति आई है शिव के वाम भाग से। अरे मूर्खो, तुम लोगों को दिखता नहीं, तुम उसके गर्भ से आए हो, वो तुम्हारे वाम भाग से ही आए, वो तुम्हारे रिब से नहीं आई है। ये कोई 303 धर्म में से कोई धर्म को दिखा नहीं तंत्र के अलावा? वे लेफ्ट पोर्शन, ये 303 धर्म में कोई धर्म को दिखा नहीं कि तुम पूरी दुनिया स्त्री के गर्भ से आती है और स्त्री कोई पुरुष से पैदा नहीं होती, पुरुष स्त्री से पैदा होता है। कैसे ये 303 धर्म ने लिख दिया और कैसे तुम लोगों ने मान लिया? कभी सोचा नहीं कि स्त्री की उत्पत्ति पुरुष के वाम भाग से हुई, स्त्री की उत्पत्ति पुरुष के फेफड़ों से हुई। कितनी उम्र हुई आज तक कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि हम तो देखते हैं कि हम हमारी माँ से आए। तुमको तुम्हारी माँ ने पैदा किया कि तुम्हारी माँ को तुमने पैदा किया? आज तक देखा है किसी पुरुष ने स्त्री को पैदा किया हो? और आज तक कोई ऐसा पुरुष है जो बिना माँ के पैदा हो गया हो? कैसे मान लिया? कहां से ये बेवकूफी वाली कहानी 303 धर्म को मिल गई? There are different stories. एक बहुत अच्छी कहानी है, शिव जी को एक ऋषि सप्त ऋषियों ने पूछा कि आप पैदा कहां से हुए, तो आपके पिता कौन है? तो कहा ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के तीसरे नेत्र से मैं पैदा हुआ। तो बोला ब्रह्मा जी से पैदा हुए तो आपके परदादा कौन है, वो कहां से पैदा हुए ब्रह्मा जी? तो वो पैदा हुए विष्णु के नाभि से। तो बोला आपके परदादा कौन है, आपके दादा कौन है? तो विष्णु। और आपके परदादा कौन है? तो बोला वो मैं स्वयं, विष्णु की उत्पत्ति मेरे से हुई है। तो अभी पता चलेगा, तो दसों महाविद्या ने घेर लिया शिव को। तो ये बॉन अभी यहाँ दशम यहाँ नहीं, पहली बार दिखे, सिर्फ दिखे। अच्छा। और प्रकट हुए और उन्होंने कहा देख शिव, तू याद रख कि पूरा संसार, ये पूरी दुनिया, ये तुझसे पैदा हुए, ये मुझसे पैदा हुए, ये पूरे ब्रह्मांड को मैंने पैदा किया है और तू भी उसमें से एक है जिसकी रचना मैंने की है। तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि ये मेरे शरीर का अंत होने वाला है, अभी मैं अपने पिता के घर जाऊंगी तब। लेकिन यह ही नियति है और तू मुझे जाने दे, क्योंकि इसके बाद ही मेरा पुनर्जन्म पार्वती के रूप में होगा और मैं तुझसे फिर से मिलूंगी। और फिर शिव जी ने उनको जाने दिया और फिर आगे की कहानी तो तुम सबको पता है। तो पहली बात ऐसे 200 महाविद्या का उत्पन्न हुआ है ना। फिर बहुत सारी कहानी है 200 महाविद्या की, अष्टवक्र गीता में भी है कि पहले शिव और शक्ति एक थे, फिर 200 महाविद्या ने, शिव ने 200 महाविद्या बनाई अपनी शक्ति को कंपनी देने के लिए। और फिर उन 200 महाविद्या को लगा कि हम भी सब पार्वती ही है, लेकिन हमारे से ज़्यादा टाइम शिव पार्वती को देते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, तो इट इज़ बेटर कि हम साथ में ही रहे और जुड़े रहे, तो हमारे से ज़्यादा टाइम इसको शक्ति को क्यों मिले, हम भी शिव के साथ या एक हो जाए या शक्ति को अलग कर दे। तो उन्होंने शक्ति को नशे में डाला और उसे शिव से विकुट कर दिया। और फिर बहुत उस दिन पार्टी हुई,
ऐसा बहुत अच्छा वर्णन है, जाके अष्टवक्र गीता में पढ़ना चाहिए। तो ये दसों महाविद्या कौन कौन है? काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, सोरसी, त्रिपुर भैरवी, कमला, धुमावती। ये दसों महाविद्या, ठीक है।